हाय, आज मैं फिर से एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ आई हूँ। वो है मैक्सिकन चिकन बरीटो। चिकन के साथ मैं बनाई ये अपने आप में एक मील है, जिसमें आपको राइस भी मिलेगा और करी भी मिलेगा, सॉसेस या सालसा भी मिलेगा। तो चलो मेरे किचन पे, मैं बनाऊंगी मेरे तरीके से, एकदम सिंपल इंडियन तरीके से। जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मैक्सिकन चिकन बरीटोस बनाने के लिए चिकन चाहिए बोनलेस। चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया मैंने, धो के फ्रेश करके रखा है। और पतला सा रोटी बनाने के लिए डो चाहिए। डो भी मैंने रेडी कर लिया, मैदे का और आटे का, हाफ कप मैदा और हाफ कप आटा, और उसमें नमक डाल के सॉफ्ट डो बना लिया। और कॉर्न और मटर लिया मैंने, और राजमा लिया। राजमा को रात भर भिगो के रखा और फिर बॉयल कर लिया प्रेशर कुकर में, एक सीटी डाल के एकदम सॉफ्ट कर लिया। और राइस चाहिए, बॉयल्ड राइस है। आप, मैं रेगुलर राइस ले लिया घर पे, जो मैं यूज करती हूँ वही। आप चाहो तो बासमती राइस भी ले सकते हो, या एक जो स्टिकी राइस आता है वो भी आप ले सकते हो। पर इजी तरीके से बनाने के लिए घर पे जो रेगुलर बनते हैं और जो हमारे हाथ के सामने अवेलेबल होता है उसी से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले राजमा को मैं रेडी करूंगी। राजमा का स्प्रेड बनाएंगे हम, जो हम रोटी के ऊपर स्प्रेड करेंगे उसके लिए राजमा का ही स्प्रेड यूज करेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैं 2 चम्मच ऑयल डाल दूंगी। तो रिफाइंड ऑयल लिया मैंने, आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो। तो ऑयल गर्म होते ही उसमें डालेंगे 1 चुटकी जीरा। जीरा को हल्का सा भून लेंगे। तो जीरा हल्का सा भूनते इसमें मैं डाल दूंगी बारीक चॉप किया हुआ ऑनियन, ये मीडियम साइज का एक ऑनियन होगा। तो ऑनियन हल्का सा भूनते इसमें मैं डाल दूंगी चॉप किया हुआ गार्लिक 1/2 चम्मच, और ग्रीन चिली 4-5 टुकड़ा, एक ग्रीन चिली होगा इसमें। इन सबको मिक्स करके हल्का सा भून लूंगी। तो हल्का सा भूनते ही मैं इसमें डाल दूंगी बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, मिक्स कर दूंगी अच्छे से। तो 1/2 चम्मच में नमक भी डाल दूंगी इसमें, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और मैं डालूंगी इसमें मिक्स हर्ब्स। इन सबको मिक्स कर दूंगी। इन सबको मिक्स करके ही इसमें मैं अभी डाल दूंगी ये बॉईल किया हुआ राजमा। राजमा को भी अच्छे से मिक्स करूंगी। तो ये रेडी हो चुका है, अभी मैं गैस बंद करूंगी। इसको ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर पे इसका फाइन पेस्ट बनाऊंगी। तो ठंडा होने के बाद राजमा को मैं मिक्सर जार में ले लिया, इसका मैं फाइन पेस्ट बनाऊंगी। तो ये बन गया है मेरा स्प्रेड करने के लिए फाइन पेस्ट, जो मैंने राजमा से बना लिया। तो सेम कढ़ाई में फिर से मैं 2 चम्मच ऑयल डाल दूंगी। अभी मैं राइस को रेडी करूंगी। स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है इसमें सारे चीजें। तो ऑयल गर्म होते ही फिर से मैं 1 चुटकी जीरा डाल दूंगी। जीरा को हल्का सा भून लूंगी। हल्का सा जीरा भूनते ही मैं उसमें डाल दूंगी बारीक चॉप किया हुआ लहसुन 1/2 चम्मच, 8-10 कली होंगे। और फिर मैं डाल दूंगी ग्रीन चिली। इसमें हेलापिनो डालते हैं, अगर हेलापिनो नहीं है तो हम देसी तरीके से ग्रीन चिली से ही काम चलाएंगे। तो लहसुन और ग्रीन चिली और जीरा हल्का सा भूनते ही मैं इसमें डाल दूंगी बारीक चॉप किया हुआ ऑनियन। 1/2 ऑनियन डाल दिया, इसको भी फ्राई करूंगी। और मैं डाल दूंगी 1/2 बारीक चॉप किया हुआ टमाटर भी। तो हल्का सा भूनते ही मैं इसमें डाल दूंगी अभी नमक, 1 चुटकी नमक डाल दूंगी। यह है मम्मी वाला प्यार नमक, स्वाद अनुसार नमक मिक्स कर दूंगी। नमक मिक्स करके मैं इसमें डाल दूंगी जीरा पाउडर, 1 चुटकी जीरा पाउडर, 1 चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चुटकी मिक्स हर्ब्स भी डाल दूंगी। ये मार्केट में मिल जाता है अवेलेबल, मैक्सिकन मिक्स हर्ब्स भी मिलता है। मेरे पास ऐसे ही नॉर्मल मिक्स हर्ब्स है, उसी से मैं बना रही हूँ। सारा मसाला हल्का सा भूनते ही इसमें मैं डाल दूंगी राइस, और मिक्स कर दूंगी राइस को भी अच्छे से मसाले के साथ। और भी एकदम इजी तरीके से आप बना सकते हो, जैसे कि मैंने राजमा का स्प्रेड बनाया उसको पीस के। आप चाहो तो ऐसा राइस बना के इसमें राजमा, इसमें कॉर्न, इसमें मटर डाल के बना सकते हो आप चिकन को अलग से।
फिर सबको रैप कर देते हैं। और मैं थोड़ा अलग अलग टाइप से बना रही हूँ। तो सारा मसाला राइस के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं डाल दूंगी राइस में 1 चम्मच भर के बटर, ऊपर से फ्रेश धनिया पत्ता, मिक्स कर दूंगी अच्छे से। तो बटर मेल्ट हो चुका है और अच्छे से फ्राई भी हो चुका है। तो ये हो गया है राइस रेडी। इसको साइड में रख के सेम कढ़ाई में मैं अभी बनाऊंगी चिकन। तो सेम कढ़ाई पे 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला और 1 चम्मच भर के बटर डाला। बटर मेल्ट होते ही इसमें मैं डाल दूंगी 1 चुटकी जीरा, जीरा के साथ साथ 2 ग्रीन चिली बारीक चॉप किया हुआ, हल्का सा भूनने दूंगी, 1/2 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। तो लहसुन हल्का सा भूनते ही मैं इसमें डाल दूंगी प्याज बारीक चॉप किया हुआ, मीडियम साइज की 1 प्याज, उसको भी अच्छे से भून लूंगी। तो प्याज के साथ साथ अब मैं डाल दूंगी इसमें बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, 1 टमाटर को बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। मिक्स करूंगी दोनों को एक साथ। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, नमक डाल के मिक्स करके फ्राई कर लूंगी। तो टमाटर और प्याज नरम हो चुका है हल्का। अब मैं सारा मसाला डालूंगी इसमें। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, अच्छा कलर देने के लिए डाला है, इसमें तीखा नहीं होता। 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी, जीरा पाउडर डालूंगी 1 चम्मच और धनिया पाउडर डालूंगी 1 चम्मच। तो अब मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, अच्छे से मिक्स करूंगी सारे मसाले के साथ। तो अदरक लहसुन के पेस्ट भी हल्का सा भून गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच मिक्स हर्ब्स, इनको भी मिक्स करूंगी अच्छे से सारे मसाले के साथ। और अभी मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच भर के दही, मसाले के साथ मिक्स करके दही को भी हल्का सा भून लेंगे। तो हल्का सा दही और सारा मसाला तो अच्छे से भून चुका है, अभी हल्का सा दही भी भून गया है। इसमें मैं अभी डाल दूंगी छोटे छोटे पीस किया हुआ बोनलेस चिकन को। सारे मसाले के साथ मिक्स करके फ्राई कर लूंगी चिकन को। तो फुल फ्लेम पे 2-3 मिनट तक मैंने भुना, तो चिकन का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। अब मैं इसको लो फ्लेम पे ढक के पकाऊंगी, चिकन से जो पानी निकलेगा इसी से चिकन बॉईल हो जाएगा। तो अभी मैं ढक के कम से कम 5-6 मिनट पकाऊंगी। तो लो फ्लेम पे 5-6 मिनट ढक के मैंने पकाया, चिकन तो अच्छे से बॉईल हो चुका है, बोनलेस चिकन है, ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं पड़ता, बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट हो जाता है। अब मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेश धनिया पत्ता, मिक्स करूंगी फुल फ्लेम पे पकाऊंगी 2 मिनट, फिर गैस बंद करके इसको भी मैं साइड में रख दूंगी। तो अब बनाएंगे हम बरीटो के लिए रोटी, जिससे हम रैप करेंगे। तो पहले से मैं आटा और मैदे को एक साथ भून के रख दिया था, रेस्ट हो गया है अच्छे से, सॉफ्ट भी बहुत हो चुका है। तो एक रोटी के साइज का पेड़ा बना लेंगे। सबसे पहले रोटी के साइज का पेड़ा ले लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा फैला के उसमें हम बेल लेंगे। बहुत बड़ा सा पतला सा एक रोटी, जितना बड़ा जितना साइज के हमारा तावा होगा उतने साइज के हम रोटी बनाएंगे। तो जितना बड़ा मेरे पास तावा है उतना बड़ा मैंने फैला लिया रोटी को। तावा गर्म है, अब मैं डाल दूंगी इस रोटी को उठा के, 2-2 मिनट करके दोनों साइड को सेकना है। बहुत पतला है ये, ना ऑयल डालना है ना कुछ बटर डालना है, इसको ऐसे ही सेकना है। तो एक साइड 2 मिनट पक चुका है, पलट देंगे हम दूसरे तरफ को। 2 मिनट होते दूसरे साइड को भी एक और बार पलट दूंगी, बस गैस बंद करूंगी और इसको उतार लूंगी। ये हो गया है रेडी। तो एक एक करके मैंने
तीन चार सेक लिया है बरीटो की, जो हम बनाएंगे रैप करके। तो रोटी को साइड में रख के अब मैं बनाऊंगी सलाद। जो मैंने कॉर्न और मटर लिया था उसका सलाद बनाऊंगी मेयोनीज के साथ। तो मैंने 3 चम्मच मेयोनीज ले लिया। आप फ्रेश क्रीम के साथ भी बना सकते हो या दही के साथ भी बना सकते हो। तो मेयोनीज में मैं सबसे पहले डाल दूंगी कॉर्न और मटर को, उसके ऊपर डालूंगी फ्रेश धनिया पत्ता और एक चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर। और मेयोनीज में ऑलरेडी नमक रहता है तो नमक डालने की कोई जरूरत नहीं है। इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। तो मिक्स कर लिया अच्छे से, इसको भी साइड में रखती हूँ। अभी मैं बनाऊंगी और एक सलाद। तो बारीक चॉप किया हुआ ऑनियन ले लिया मैंने एक, और 2 टमाटर को भी चॉप करके ले लिया, और 2-3 ग्रीन चिली भी ले लिया साथ में, और धनिया पत्ता तो जाएगा ही जाएगा इसके साथ भी, 1/2 लेमन जूस, इसमें भी 1 चुटकी मिक्स हर्ब्स भी मिक्स कर दूंगी, 1 चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चुटकी नमक, अच्छे से मिक्स करूंगी। तो ये बना लिया मैंने मैक्सिकन साल्सा देसी स्टाइल में। बरीटो के लिए रोटी रेडी है, चिकन रेडी है, राइस भी मैंने रेडी कर लिया, स्प्रेड करने के लिए राजमा का पेस्ट भी बना लिया, और 2 टाइप के साल्सा भी रेडी कर लिया। अब मैं करूंगी असेंबल। तो असेंबल करने के लिए एक पहले रोटी ले लेंगे। सबसे पहले उसमें हम फैला देंगे ये जो हमने बनाया राजमा का स्प्रेड। अब मैं डाल दूंगी ये राइस। तो राइस के ऊपर अभी मैं डालूंगी ये जो चिकन बनाया मैंने एकदम जूसी जूसी सा। चिकन डालने के बाद अब मैं डाल दूंगी ये सलाद। तो कॉर्न के सलाद डालने के बाद ये डाल दूंगी मैं टमाटर वाला साल्सा। ऊपर से डालूंगी डंठल के साथ धनिया पत्ता। अब ऊपर से फाइनली मैं डालूंगी चीज। ये जो चीज डाला मैंने ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। अब इसको फोल्ड करेंगे। पहले एक साइड से अच्छे से लॉक करेंगे ऐसे ही, और फिर दूसरे साइड से भी ऐसा ही सेम कर देंगे, और फिर इसको ऊपर से ऐसे लेके जाएंगे ताकि सारा जो कुछ हमने फिलिंग डाला है वो सारा एकदम अच्छे से कवर अप हो जाए। तो ऐसे एक एक करके मैं सारा बरीटो को पहले रेडी कर लूंगी, उसके बाद मैं इसको हल्का सा सेकूंगी। तो सारे बरीटो मैंने असेंबल करके रैप करके रेडी कर लिया। अब इसको मैं हल्का हल्का सा सेक लूंगी। तो एक ग्रिल पैन ले लिया, उसमें मैंने बटर डाल दिया मेल्ट होने के लिए। आप चाहो ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो या ऐसा ऑयल भी यूज कर सकते हो, और अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप ऐसे सिंपल तावा में भी इसको सेक सकते हो। तो मैं इसको ऐसे बिठा दूंगी, एक साइड को पहले अच्छे से पकने दूंगी, और ये जो मेल्टेड बटर है इसी को मैं ब्रश से चारों तरफ फैलाऊंगी। जिस साइड को हमने फोल्ड किया था उस साइड को पहले हमने सेका, तो अभी हम पलट देंगे दूसरी तरफ को। अभी हम धीरे से इसको भी पलट देंगे, और ये ग्रिल मार्क भी आ गया है और ये अच्छे से सेक गया है। अभी मैं गैस बंद करके प्लेटिंग करूंगी। तो ग्रिल करने के बाद मैंने बीच में काट करके प्लेटिंग किया, और जो मैंने जो 2 साल्सा बनाए उसके साथ मैंने गार्निशिंग कर दिया। मैंने जो साल्सा बनाया, आप और भी वैरायटी साल्सा बना सकते हो, अवोकाडो से भी आप साल्सा बना सकते हो, और जो मैं चिकन से बनाई ऐसे आप टोफो से या पनीर से भी बना सकते हो। ये अपने आप में एक मील है जिसमें राइस चिकन सारा सलाद वगैरह सब कुछ मिलता है, बहुत तरीका के बनते हैं। तो मैं मेरे तरीका से बनाया एकदम सिंपल और इजी तरीका से। आप लोग बनाओ, बना के खाने के बाद कमेंट में मुझे जरूर बताना कैसा था मेरा ये बरीटो। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।